नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। आज देखने वाले हैं भाई हिस्ट्री सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, इससे पहले 17 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, अगर नहीं देखे तो बिल्कुल आप देख लेना। तो फ्रेंड्स, अब हम क्या देख रहे हैं, हम मुगल साम्राज्य की ओर बढ़ चुके हैं, क्योंकि गुलाम खिलजी तुगलक शाह लोधी को हमने देख रखा है। ठीक है, और अब हम क्या देख रहे हैं, गुलाम साम्राज्य यहाँ पर देख रहे हैं। हमने गुलाम साम्राज्य का बाबर जो था, बाबर के बारे में सारा कुछ डिस्कस कर लिया था। बाबर के 4 युद्ध हुए थे, वो हमने डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, आपको पता है 1526, 27, 28, 29 में जो युद्ध हुए थे बाबर के द्वारा, वो हमने सारे के सारे डिस्कस कर रखे हैं। वैसे तो हम एक दिन छोड़कर सारा के सारे रिपीट करते रहते हैं। ठीक है, तो अगली वीडियो में सब कुछ रिपीट होगा, गुलाम वंश से लेकर जो अपना बाबर साम्राज्य है यहां तक। ठीक है, और अब हम इसमें कहां पढ़ रहे हैं, इसमें पढ़ रहे हैं हुमायूं के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, हुमायूं के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहां पर क्या देखेंगे, हुमायूं के युद्धों के बारे में देखेंगे। तो पहले हम इससे पहले पढ़ रखा है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं। तो पहले हमने देखा था हुमायूं। ठीक है, हुमायूं के बारे में आपको पता है, हुमायूं के द्वारा 2 युद्ध लड़े जाते हैं। कितने? 2 युद्ध लड़े जाते हैं। एक युद्ध होता है चौसा का युद्ध और एक होता है कन्नौज का युद्ध। ठीक है, किस किस के बीच होता है, शेरशाह सूरी और हुमायूं, दोनों के दोनों युद्ध शेरशाह सूरी के बीच होते हैं। दूसरे युद्ध में शेरशाह सूरी 40 का युद्ध होता है, उसमें बुरी तरीके से परास्त होता है और वह सल्तनत छोड़कर चला जाता है। ठीक है, अब हम यहां पर देखेंगे इसके क्वेश्चनों की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो 18वां क्वेश्चन जो अपना हो जाएगा उसको आप यहां पर देख सकते हो। ठीक है, 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि हुमायूं के चरित्र का वर्णन कीजिए। जो हुमायूं का चरित्र था उसके बारे में वर्णन करना है। हुमायूं के चरित्र का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, या इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। दोनों प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखा गया है। ठीक है, तो बात करते हैं इसके उत्तर की। तो आपको बता रखा है मैंने, सबसे पहले उत्तर लिखने से पहले, उत्तर लिखना है उसके बाद में, सॉरी उत्तर लिखना है उसके बाद में एक बॉक्स बनाना है। तो वहां पर क्या लिखना है, हुमायूं किसका पुत्र था, भाई बाबर का पुत्र था। ठीक है, हुमायूं का वास्तविक नाम क्या था, तो नसरुद्दीन हुमायूं था। ठीक है, वास्तविक नाम लिख दो इसका, हुमायूं का वास्तविक नाम क्या था, नसरुद्दीन हुमायूं। ठीक है, तो यहां पर हुमायूं वास्तविक नाम लिख सकते हो इसका। इसने कौन कौन से युद्ध किए, भाई एक किया था 1539 में चौसा का, दूसरा किया था 1540 में कौन सा, कन्नौज का, दोनों लिख दो। उसके बाद क्या हुआ, इसकी मृत्यु हो गई। इसका जन्म कहां हुआ था, काबुल में हुआ था, है ना, और इसकी मृत्यु कहां हुई, कब हुई, ये सब जितना भी आपको कंफर्म है हुमायूं के बारे में वो इस बॉक्स में लिख सकते हो, जो कि एग्जाम में अच्छे नंबर आपको दे सके। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के, उत्तर डाला हमने, बॉक्स डाल लिया, अब हम क्या देखेंगे इसकी थ्योरी को। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे इसकी थ्योरी को। तो हुमायूं के चरित्र के आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, हमने हेडिंग क्या डाली, हेडिंग डाल दी इसी के अनुसार चरित्र, मतलब हुमायूं के चरित्र के आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो भाई मूल्यांकन कर लेते हैं इसका आलोचनात्मक। ठीक है, आलोचना मतलब इसकी कुछ आलोचनाएं। ठीक है, चरित्र की भाई देखने वाले हैं, सब कुछ देखने वाले हैं। तो हुमायूं का पूरा नाम नसरुद्दीन हुमायूं था, ध्यान रखना। मैं आपको पता है इसके पुत्र जो हुआ करते थे भाई, 4 पुत्र थे। कितने थे भाई, 4 पुत्र थे, ये तो आपको हमने बता रखा है। ठीक है, कौन कौन थे एक बार फटाफट कमेंट करके बताना सभी लोगों को भाई, इसके कौन कौन पुत्र थे फटाफट कमेंट करके सभी को बताना है। ठीक है, देखो बात करते हैं, इसके 4 पुत्र हुआ करते थे। एक तो आपको पता ही है, एक कौन हो जाएगा भाई, अपना हुमायूं हो जाएगा, है ना, एक कौन हो जाएगा, एक तो अपना हो जाएगा हुमायूं, आपको पता ही है। सेकंड जो शासक था मुगल शासक हुमायूं, और एक था आपका कामरान, कौन था भाई, एक कामरान था, एक कौन था अस्करी था, है ना, अस्करी, एक कौन था, अस्करी था, कामरान था, और एक और था, है ना, एक और था जिसका नाम हो जाता है, भाई उसका नाम था हिंदाल। कौन था भाई, हिंदाल। ठीक है, तो चारों के चारों आपको याद होने चाहिए, चारों के चारों आपको याद होने चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है भाई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बाबर के बेटे का इनमें से कौन नहीं था, बाबर का बेटा इनमें से कौन था या फिर नहीं था, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो यहां पर भी एमसीक्यू क्वेश्चन आपका बन सकता है कि ये बताइएगा बाबर के बेटे का नाम कौन सा नहीं है या फिर कौन सा है। तो बाबर के बेटे 3 थे, हुमायूं था, कामरान था, अस्करी था, और कौन था, हिंदाल था। ठीक है,
यहां पर देखते हैं ज्येष्ठ पुत्र जो सबसे बड़ा पुत्र था वो कौन था, हुमायूं था। और हुमायूं को क्या मिली थी भाई, गद्दी मिली थी। और इसी के कारण चारों भाइयों में क्या हो रहे थे, युद्ध हो रहे थे, ठीक है, एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। तो वह बात करते हैं, वह मुगल साम्राज्य बाबर का ज्येष्ठ पुत्र था। उसकी माता का नाम, माता का नाम क्या था, माहम बेगम। याद कैसे करेंगे, बाबर में आप देख सकते हो क्योंकि बाबर की पत्नी ही तो होगी माहम बेगम, बिल्कुल। तो बाबर आप लिखोगे, जैसे ही बाबर में डबल मा देखने को मिलेगा ऐसे ही माहम में डबल मा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से याद कर सकते हो, हुमायूं की माता या बाबर की पत्नी का नाम क्या था, माहम बेगम था। कौन था, माहम बेगम था। हुमायूं को फारसी तुर्की अरबी आदि भाषाओं का पर्याप्त ज्ञान था। वह संगीत और सैनिक शिक्षा का भी विशिष्ट ज्ञाता था। बाबर के समय वह जो बदख्शा था, बदख्शा, बाबर के समय वह बदख्शा का सूबेदार बना और उसे हिसार फिरोजा की जागीरें भी प्राप्त हुई थी। किसकी, हिसार फिरोजा की जागीरें भी हुमायूं को प्राप्त हुई थी। हुमायूं अपने पिता के द्वारा लड़े गए अनेक युद्धों में उनकी सहायता की थी, ठीक है। बाबर की सहायता किसने की थी, हुमायूं, उसके पुत्र ने बहुत सारे युद्धों में की थी। हुमायूं अपने पिता का आज्ञाकारी पुत्र, अपने भाइयों के लिए बहुत ही उदार एवं क्षमाशील भाई था। वह साहित्य और कला का विशेष प्रेमी था। वह अपना अधिकांश समय विद्वानों के साथ विचार विमर्श करने में ही व्यतीत करता था। उसने एक पुस्तकालय में भी निर्माण करवाया, क्या, उसने एक पुस्तकालय का भी निर्माण करवाया और उसमें उस समय एक के अनेक दुर्बल ग्रंथों की संग्रहित किया, एक में अनेक ग्रंथों को क्या किया था, इसने संग्रहित किया था। उसने शिक्षा के प्रचार हेतु दिल्ली में एक मदरसा खुलवाया और सात नक्षत्रों के नाम पर सात भवन बनवाए। उन सातों भवनों में सात वर्गों के लोग रहते थे, कितने, सात भवन बनवाए थे और सातों में अलग अलग धर्म के, अलग अलग कह सकते हैं वर्गों के लोग रहते थे। वह बड़ा ही दानी था लेकिन अनेक अच्छे चरित्रिक गुणों के होते हुए भी दृढ़ता का अभाव था। कभी कभी वह डुलमुल कह सकते हैं शिथिल चरित्र और साधारण व्यक्तित्व का व्यक्ति प्रतीत होता था। उसके चरित्रिक गुणों का अग्रलिखित संदर्भों में जाना जा सकता है, जो उसके चरित्रलिखित कह सकते हैं चरित्रिक गुण थे उन्हें इस प्रकार से आप जान सकते हो। तो पहला जो चरित्र गुण हो जाता है वो हो जाता है परिवार प्रेमी सम्राट। कैसा, परिवार प्रेमी सम्राट। हुमायूं अपने परिवार के प्रति अधिक स्नेह रखने वाला सम्राट था, अपने परिवार के प्रति बहुत ही प्रेम करता था। उसके भाई कौन थे, देखो यहां दे रखा है, कामरान, अस्करी और हिंदाल ने उसे आजीवन परेशान किया, जीवन भर परेशान किया था कामरान, अस्करी और हिंदाल ने, ठीक है। इसी प्रकार कह सकते हैं, फिर भी वह अपने भाइयों को प्रेम के वशीभूत होकर उन्हें क्षमा करता था। वह उसके भाई कामरान को सरदारों ने मृत्यु दंड का परामर्श दिया तो हुमायूं ने कहा, मेरी बुद्धि तो तुम्हारी बात मानती है लेकिन मेरा हृदय नहीं मानता। इस कारण वह दयालु और परिवार प्रेमी शासक था। कैसा था, दयालु और परिवार प्रेमी शासक हुआ करता था। वीर और साहित्य, कौन, वीर और साहित्य भी एक आपको यहां पर हुमायूं का गुण देखने को मिलता है। हुमायूं एक वीर और साहसी योद्धा था। वह योद्धा में पराजय, युद्धों में पराजय से कभी भी विचलित नहीं होता था। उसके साहसी और धैर्यवान होने का परिचय इस तथ्य में मिलता है कि एक बार भारत से उसका साम्राज्य समाप्त हो जाने के पश्चात उसने पुनः अपनी शक्ति का संगठन कर भारत के मुगल वंश का साक्षात स्थापित कर दिया था। आपको पता है पहला जो युद्ध हुआ था हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच जो हुआ था 1939 में, कौन सा, चौसा का युद्ध, जिसमें हुमायूं परास्त हुआ था मगर उसने अपने साम्राज्य को पुनः स्थगित खड़ा कर दिया था, ठीक है। फिर एक साल के बाद 1540 में युद्ध होता है, कौन सा, कन्नौज का युद्ध। इसमें यह बुरी तरीका से शेरशाह सूरी से हार जाता है और कहा अपने साम्राज्य को छोड़कर वह चला जाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग, जो नेक्स्ट कह सकते हैं हुमायूं का गुण हो जाता है, वह हो जाता है सच्चा मुसलमान। क्या था, सच्चा मुसलमान।
तो हुमायूं एक सच्चा सुन्नी मुसलमान था, वह पांचों वक्त नमाज पढ़ा करता था। उसकी पटरानी कौन थी? इसकी जो बेगम का नाम हो जाता है वो हो जाता है हामिदा बानो बेगम। कौन? हामिदा बानो बेगम। क्वेश्चन में पूछेगा कि हुमायूं के पत्नी का नाम क्या था, तो हासे हुमायूं बनेगा। क्या बनेगा? हासे हुमायूं बनेगा। और हासे ही क्या बनेगा? हामिदा बनेगा। हासे ही क्या बनेगा भाई? हामिदा बनेगा। तो बिल्कुल आपको याद रहेगा ना, हासे हुमायूं और हासे हामिदा बानो बेगम था। और उसका विश्वास पात्र सरदार बैरम खां। आपको पता है बाबर का जो सेनापति था वो कौन था? बैरम खां ही था। ठीक है, इसी प्रकार से जो हुमायूं था उसका विश्वास पात्र सरदार कौन था? बैरम खां ही था। सिया थे, है ना, बैरम खां सिया। ये सिया था मगर ये कौन था? एक सुन्नी था। ठीक है, ध्यान रखना। हुमायूं कट्टर मुसलमान धर्म का पोषण करते हुए भी हिंदुओं के प्रति मानवीय व्यवहार नहीं करता था, तथा भाई उसने कलिंजर के हिंदू मंदिरों को तोड़वाया था। वहां कट्टर मुसलमान होने के कारण वह हिंदुओं को सहानुभूति प्राप्त नहीं कर सका। ठीक है, और आप जानते हो जो कलिंजर का किला है यहीं पर क्या होता है? यहां पर ही शेर शाह सूरी। कौन? यहां पर ही शेर शाह सूरी की मृत्यु होती है तोप के फटने से, है ना। यहां पर ही शेर शाह सूरी की मृत्यु कहां होती है? कलिंजर पर ये विजय प्राप्त करता है शेर शाह सूरी, और वहीं पर क्या हो जाती है? तोप के फटने से। तोप के फटने से शेर शाह सूरी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडिंग। हुमायूं ज्योतिष व कर्म कांडों में विश्वास करता था। यह भी एक गुण देखने को मिलता है कि जो हुमायूं था वो ज्योतिष व कर्म कांडों में विश्वास रखता था। हुमायूं ज्योतिष में अत्यधिक विश्वास रखता था, नक्षत्रों की गति और उसके प्रभाव के में उसका पूर्ण विश्वास था। जो नक्षत्रों की गति वगैरह होती हैं, ठीक है, मंत्र वगैरह होते हैं, ठीक है, उनमें क्या करता था? ये बहुत ही विश्वास रखता था। ज्योतिष शास्त्र के आधार पर उसके पदाधिकारी 12 भागों में विभक्त थे। कैसे थे? उसके जो पदाधिकारी थे उनको भी उसने ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 12 भागों में विभक्त कर रखा था। उसने अपने सैनिकों को शनिवार को काली और मंगलवार को लाल रंग के कमीज पहनने का आज्ञा दे रखी थी कि भाई शनिवार को क्या पहनेंगे? शनिवार को काले कपड़े पहने जाएंगे, और मंगलवार जब आता है तो कैसे? लाल रंग की कमीज पहनने का आज्ञा दे रखी थी। वह युद्ध आदि महत्वपूर्ण कार्यों का प्रारंभ भी ज्योतिष शास्त्रों के निर्देश पर ही किया करता था। इससे उसके चरित्र में दृढ़ता का अभाव हो गया था। उसका चरित्र में कैसा हो गया था भाई? दृढ़ता का अभाव देखने को मिलता है। अब बढ़ते हैं, पांचवी हेडिंग हो जाती है, वो हो जाती है प्रभावशाली और विद्या प्रेमी। जो हुमायूं था वह प्रभावशाली और कैसा था? कैसा? प्रभावशाली और विद्या प्रेमी था, है ना। विद्या से वो बहुत ही प्यार करता था। अनेक विद्वानों ने हुमायूं को प्रभावशाली और साहित्य प्रेमी बादशाह स्वीकार किया है। वह पुस्तकालय में जाकर स्वयं विभिन्न विषयों की पुस्तकों का अध्ययन किया करता था। बात करते हैं, फरिश्ता के अनुसार वह बड़ा निर्भीक राजकुमार और भूगोल शास्त्र के निपुण था। वह विद्वानों की संगीत में उसे बड़ा आनंद आता था। जो विद्वानों के संगीत हुआ करते थे उनमें हुमायूं का क्या है? बहुत बड़ा आनंद आया करता था। और जो हुमायूं था, ठीक है, कह सकते हैं बाबर का बेटा जो हुमायूं था वह दिल्ली का एक पुस्तकालय हो जाता है। ठीक है, दिल्ली के शेर मंडल पुस्तकालय में। कहां पर? दिल्ली के शेर मंडल पुस्तकालय में। ये हेडिंग आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, ये हेडिंग क्या हो जाती है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है कि दिल्ली के शेरगुल, ठीक है, दिल्ली के शेर मंडल, सॉरी शेरगुल नहीं होगा, शेर मंडल। कौन सा? दिल्ली के शेर मंडल। कहां पर? दिल्ली के शेर मंडल पुस्तकालय में। ये पुस्तकालय का नाम है, ठीक है, पुस्तकालय में सीढ़ियों सर गिरकर, किसके?
भाई सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हुई थी, है ना। इसकी क्या हो गई भाई, मृत्यु हो गई थी सीढ़ियों से गिरकर, किसकी, हुमायूं की। तो आपको क्वेश्चन इस प्रकार से देखने को मिलेगा कि हुमायूं की किस पुस्तकालय से, किस पुस्तकालय में सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हुई थी। तो ध्यान रखना शेरमंडल, कैसे याद रहेगा कि भाई हुमायूं ने किससे युद्ध किए थे, शेर शाह सूरी से किए थे, शेर शाह सूरी से किए थे। तो शेर यहां पर देखने को मिल जाएगा, शेरमंडल। तो शेरमंडल पुस्तकालय हो जाता है जो दिल्ली में स्थित है। कहां पर, दिल्ली में स्थित है। यहां के शेरमंडल पुस्तकालय की सीढ़ियां थी, उनसे गिरकर किसकी, हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। तो बिल्कुल आपको सारा की सारा याद हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो भी मैंने आपको याद करा दिए, ठीक है। इसकी माँ का नाम क्या था, डबल बार आपको जैसे बा में, बाबर में डबल बार बा देखने को मिलेगा, वहां पर माँ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसकी पत्नी का नाम, इसका नाम हासे हुमायूं है, तो उसका भी नाम हासे हामिदा हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने सारे फैक्ट्स याद भी कर लिए और हमें याद भी हो गए, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर देना जो कि नोटिफिकेशन आपके घर पहुंचे। तो फ्रेंड जय हिंद, जय भारत।